अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सब हैरान हो रहे होंगे क्योंकि आप सबको मेरी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ भी डिफरेंट है और आज बंदा भी डिफरेंट है। मैं हूँ असरा की बहन और आज है फूड एंड फार्मा मेरे हवाले, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग रेसिपी जो है कश्मीरी चाय की रेसिपी, यानी कि पिंक टी, जो हम सबकी बहुत ही फेवरेट है। तो चलें सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी ये अमेजिंग और डिलीशियस चाय बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं चीज़ों को मैंने दो हाफ्स में जो है वो रख दिया है। राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त 2 कप्स ऑफ वाटर है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पानी है, और 2 कप्स ऑफ वाटर है जो कि ठंडा बर्फ़ वाला पानी है जो हमें चाहिए होगा। सो आपको 4 कप्स ऑफ वाटर चाहिए, 2 नॉर्मल टेम्परेचर वाले और 2 ठंडे पानी के। साथ ही हम लोगों को 2 जो है वो चाहिए एनी सीड, यानी कि बादियान के फूल, और साथ ही मैंने ले ली हैं 7 कार्डमम, यानी कि 7 इलायचियाँ ले ली हैं। और ये है मेरे पास थोड़ा सा चुटकी भर नमक, यानी कि आप कह सकते हैं 1/4 स्पून ऑफ सॉल्ट। और यहाँ पर आपको चाहिए मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। और हमारे पास है कार्डमम ग्रीन टी, आप कोई भी ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में है। और दूसरे हैंड साइड पे आप देख सकते हैं मेरे पास है मिल्क, आपको मिल्क चाहिए होगा। शुगर चाहिए होगी आपको हसबे जायका, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितनी डालूंगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फूड कलर यहाँ पर मेरे पास है पाउडर्ड फॉर्म में, पिंक कलर है, पिंक टी के लिए ज़ाहिर हमें कलर चाहिए होगा, लेकिन आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ है मेरे पास कंडेंस मिल्क। जितने भी लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ऑब्वियसली वो जानते हैं कि पाकिस्तान का जो मिल्क होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, अच्छा दूध होता है, उसमें मलाईदार दूध जो होता है वो जो चाय में है बहुत ही एक अच्छा टेस्ट लाता है। लेकिन जितने भी लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छा गाढ़ा दूध नहीं होता, इसलिए हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे मिल्क को बनाएगा गाढ़ा और इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। सबसे पहले हम कावे की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए हम ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं राइट हैंड साइड वाले वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम दूसरे हाफ में बनाएंगे दूध की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम चीनी, कंडेंस मिल्क, दूध और बाद में फूड कलर डालेंगे और एंड पे अपना कावा सर मिक्स कर देंगे और अपनी चाय तैयार कर लेंगे। तो चलें चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं कावा। तो सबसे पहले हमने स्टोव ऑन कर दिया है, अब हम अपनी ले लेंगे कोई भी देचकी जिसमें आप बनाना चाहते हैं चाय। और हमारे पास यहाँ पर है 2 कप्स नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, वो हम इसमें सबसे पहले अपनी देचकी में डाल देंगे। तो मेरी देचकी बहुत गर्म थी इसीलिए एकदम से इसमें से स्मोक आ रहा है। 2 टेबलस्पून आपके पास ग्रीन टी जो भी है आप वो डालेंगे इसके अंदर, और ये 2 टेबलस्पून मैंने आपके सामने डाल दिया है ग्रीन टी। अब इसके बाद हम फौरन डालेंगे 1/4 टीस्पून हमारे पास जो है बेकिंग सोडा, ये हमने ले लिया है बेकिंग सोडा जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा से आप देख रहे हैं इसके अंदर रिएक्शन होगा और ये फौरन जो है ये असर करेगा। और साथ ही हम डाल देंगे हमारे पास ये जो सॉल्ट है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं हम डालें, ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारी पिंक टी को, तो हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने किसी भी वक्त ये पानी को छोड़ना नहीं है, आपने इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है। तो आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हिलाते रहना जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता, यानी कि जब तक 2 कप्स जो हमने डाले थे उनसे 1 कप नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाते रहना है। उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो है वो डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा मिक्सचर था पानी का और ग्रीन टी का और बाकी सारी चीज़ों का, ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया। जैसे ये बॉयल हो जाए हम इसमें डालेंगे ये हमारी इलायचियाँ और बादियान के फूल, ये हम इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह से डाल देंगे। और इसको आपने याद रखिए कि आपने हिलाना नहीं भूलना, इसको हिलाते रहे अच्छी तरह से। तो ये हमारा कावा जो 2 कप का था अब ये 1 कप का रह गया है, और आप देख सकते हैं इसका कलर इस तरीके से है। तो अब हम इस वक्त इसमें ऐड करेंगे 2 कप ठंडे पानी के, यानी कि बर्फ़ के पानी जो हमने रखे थे। ठंडा पानी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको फिर हिलाते रहना है। अब इसको हिलाते रहेंगे जब तक, अब आपको पता है हमारे पास पहले 1 कप पानी रह गया था, हमने उसके अंदर 2 कप पानी और डाले हैं, तो अभी हमारे पास 3 कप हैं। तो आप तब तक हिलाते रहेंगे जब तक आपके पास 2 कप का कावा नहीं बच जाता। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे चाय में जो डलेगा दूध वो। तो आप फिर से सबसे पहले अपना स्टोव जो है वो ऑन कर लें, आपने सब कुछ फुल जो है आंच पे ही पकाना है। 2 कप दूध जो है वो डालूंगी।
आप उस हिसाब से दूध डाल सकते हैं जितने बंदों के लिए आप चाय बना रहे हैं, लेकिन आप याद रखें अगर आप दो बंदों के लिए चाय बना रहे हैं तो आपको दो कप दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कप डालें। उसके बाद जब आप उसमें ऐड करेंगे अपना कावा तो वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा और वो दो बंदों की चाय हो जाएगी। जैसे मैं इस वक्त बना रही हूँ तीन बंदों के लिए, तो मैंने टू कप्स डाले हैं, उसके बाद मैं अपना कावा इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जब आपको लगे कि मिल्क जो है वो थोड़ा सा बॉइलिंग स्टेट पे आने शुरू हो गया है, गर्म हो गया है, इसमें से आप देख सकते हैं कि धुएं आ रहे हैं, तो उस वक्त हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क के टीस्पून और साथ ही हम ऐड करेंगे शुगर। ये मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। थ्री टीस्पून यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। शुगर तकरीबन आपने डालनी है डेढ़ टेबल स्पून, आप डाल सकते हैं लेकिन आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको हिलाते रहना है क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है वो नीचे जाके लग भी सकता है। आपने इसको अच्छी तरह से दूध को उबलने देना है। दूध को ऐसा करने से भी दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और क्योंकि हमें बहुत थिक दूध चाहिए तो हम इसको स्टर करते रहेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा दूध जो है वो उबल गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना प्रिपेयर्ड कावा। जितना कावा हमने प्रिपेयर किया वो कावा सब यूज़ नहीं होगा, कुछ हो सकता है कि कुछ क्वांटिटी या वन कप या टू कप आपका कावा जो है वो रह जाए, तो आप 6 डेज तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे थोड़ा थोड़ा बनाकर इसमें दूध ऐड करके आप पी सकते हैं। तो ये मैंने कावा एक कप में ले लिया स्ट्रेन करके अच्छी तरह से, तो आप ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालें। हम थोड़ा सा डालेंगे उसके बाद अच्छी तरह से इसको स्टर करेंगे ताकि हम देखें कि हमें कितना और चाहिए। हमें थोड़ा सा और चाहिए होगा कावा क्योंकि दूध हमारा 2 कप्स था, तो कावा हमें तकरीबन 1 कप या उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा ताकि उसका अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। तो ये हमारी चाय का लाइट पिंक सा कलर आ गया है। यहाँ पर मुझे 1/2 कप कावा और डालना होगा। इसको आप अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। तो अब पकाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी चाय का कलर बहुत ही लाइट पिंक सा आ गया है। हम अगर इसमें कलर कोई ना भी डालें तब भी हमारी चाय का जायका और उसका कलर बहुत अच्छा है। आप जायका साथ साथ चेक कर सकते हैं चाय का कि आपको शुगर कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, आपको कंडेंस मिल्क और डालने की ज़रूरत है, या फिर आपको चीनी कम भी करनी है तो आप और दूध डाल सकते हैं नॉर्मल। तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास जो पिंक फूड कलर है, तो हम इसमें सारा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे और उसके बाद उसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। तो अब हमारी चाय प्रिपेयर हो गई है, अच्छी तरह से उबल भी की गई है, तो अपनी चाय जो है वो कप्स में निकाल लेंगे। सो फाइनली हमारी चाय हमने कप्स में निकाल ली है और अब हम उसके ऊपर ये आलमंड्स और पिस्ताशियो जो हमने क्रश किए थे, अच्छी तरह से काटे थे, वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो हो गई हमारी चाय रेडी। उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और एक दिन के लिए जो मैंने आपको रेसिपी सिखाई है, तो देखें अगर किसी और दिन भी मैं आ सकी जरूर। सो उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं दोबारा किसी अमेजिंग रेसिपी के साथ जरूर आऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी बहन के चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। सो ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।